Hello dear children, welcome to grammar class. So children, today we are going to start with a new chapter, chapter 16, the apostrophe. So again, it is a new chapter for you. ये बहुत ही नया concept है आपके लिए. Apostrophe. So what do you mean by apostrophe? So हमारे आजू बाजू में कई सारी चीजें पड़ी होती है, isn't it? बहुत सारी चीजें हमारे आजू बाजू में होती है, हमें पता नहीं होता कौन सी समय किसकी है. तो हम क्या करते हैं, हम पूछते हैं ये बैग किसका है, ये नोटबुक किसकी है, ये पेंसिल किसकी है, ये रबर किसकी है. ऐसा अक्सर हम क्लास में पूछते हैं वेद थिंग्स आर कैप्ट हियर एंड देयर. बहुत सारी चीजें जब पड़ी होती है तो हम पूछते हैं कि वह सामान किसका है. सो हमें आंसर में क्या मिलता है, सो कोई बोलता है टीचर ये मेरी है, टीचर ये पेंसिल उसकी है, ये बुक राम की है, ये बुक मोहित की है. सो ऐसे हम बताते हैं नाम लेकर कि ये चीजें उनकी है. ओके, हर चीज किसी न किसी की होती है और हम उन चीजों का नाम लेके बोलते हैं कि ये सामान उस लड़की का है, उस लड़के का है, ऐसे हम मेंशन करते हैं. सो हमारा जो आज का जो चैप्टर है एपोस्ट्रोफी, सो ये चीज भी हमें यह बताने में मदद करता है कि वह सामान किसका है. ओके चिल्ड्रन, सो बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको वीडियो और समझना है व्हाट यू मीन बाय एपोस्ट्रोफी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. This is called apostrophe. ये हमारा apostrophe का मार्क है. हमने punctuation marks में हमने सीखा था full stop, हमने सीखा है question mark, हमने सीखा है comma, जो लाइन के साथ नीचे लाइन पर ही लगते हैं. ओके, बट जो हमारा apostrophe है, apostrophe कहाँ पर प्रयोग होता है, अगर ये लाइन है आपकी तो लाइन के ऊपर, हम सेंटेंस के साथ में ऊपर इसका प्रयोग करते हैं apostrophe का. So this is the mark of apostrophe. This is called apostrophe. इस मार्क को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एन apostrophe. इट इज अ punctuation mark. सो ये जो हमारा मार्क है, ये जो सिंबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, apostrophe कहते हैं. और apostrophe भी एक प्रकार का punctuation mark है, जैसे कि हमने सीखा full stop, question mark and comma. सो ये तीनों हमारे punctuation marks थे. So, आज हम नया वाला पंक्चुएशन मार्क सीख रहे हैं apostrophe. ओके, एंड apostrophe इज यूज टू शो व्हाट समवन ओन्स. सो हम apostrophe का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी के पास, किसी के भी पास कोई चीज होती है. ओके, सो द मार्कर बिलोंग्स टू सुनीता टीचर. ये मार्कर किसका है, सुनीता टीचर का. मीन्स ये वस्तु किसकी है, मेरी है. So, हम ये बताइए apostrophe का हम प्रयोग कब करते हैं, ये बताने के लिए कि ये चीज किसकी है. वी एड apostrophe एस टू शो बिलोंगिंग. सो हम बताते समय कि ये पेंसिल, ये मार्कर सुनीता टीचर की है, बोलने के लिए हम apostrophe एस का प्रयोग करेंगे. सो आपको एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनिए. द टेडी बेयर, हमारे पास एक टॉय है, द टेडी बेयर बिलोंग्स टू द गर्ल. सो यहाँ पे एक लड़की टेडी बेयर है जो कि किसका है, लड़की का है, गर्ल का. टेडी बेयर है किसका, गर्ल का. अब हम apostrophe एस यूज करते हुए हम इसको कैसे लिखेंगे, द गर्ल्स टेडी, द गर्ल्स टेडी बेयर, B-E-A-R बेयर, द गर्ल्स टेडी बेयर, लड़की का टेडी बेयर. ओके, सो वो सामान किसका था, ये खिलौना, ये टेडी बेयर किसका था, गर्ल का. सो ये हमें पूरा सेंटेंस लिखा है. इस पूरे सेंटेंस को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में छोटा करके apostrophe एस यूज करके लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, द गर्ल्स, द गर्ल हमें सेंटेंस में से ही लेना है और apostrophe एस लग जाएगा. आपको बहुत अच्छे से लिखना है एकदम, द गर्ल्स apostrophe एस, द गर्ल्स टेडी बेयर, लड़की का टेडी बेयर. ओके, एक और एग्जाम्पल दिया गया है, द बुक बिलोंग्स टू राम. द बुक, यहाँ पे किस वस्तु के बारे में बात किया गया है, बुक के बारे में. यह पुस्तक राम की है, किसकी है, बुक राम की. द बुक बिलोंग्स टू राम. सो अगेन हम apostrophe एस, इस सेंटेंस को अगर हम apostrophe एस के साथ अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, राम्स, R-A-M, राम, apostrophe S, राम्स बुक, राम की किताब.
की, किताब किसकी है, राम की। ऐसा बोलने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस यूज करके इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। सो हमने इसको यहाँ पे कैसे लिखा, एपोस्ट्रोफी एस करके हमने इस सेंटेंस को लिखा है। ओके, सो एपोस्ट्रोफी एस से हमें ये पता लगता है कि ये पुस्तक राम की है। ओके, रिमेम्बर एक चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, वी डू नॉट एड एपोस्ट्रोफी एस व्हेन वी मेक बाय एडिंग एस। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कुछ वर्ड जो एस से खत्म होते हैं उस पर वापस से हम एपोस्ट्रोफी एस ऐड नहीं करते हैं। लाइक प्लूरल फॉर्म में है, पेंसिल्स बिलोंग टू द गर्ल्स। अगर कुछ वर्ड पहले ही प्लूरल फॉर्म में है उसमें हम वापस से हम एपोस्ट्रोफी एस ऐड नहीं करेंगे। ओके, सो ध्यान दीजिए, इफ अ नाउन एंड्स इन प्लूरल, कोई भी नाउन जब प्लूरल में खत्म होता है, We have to show belonging. Belonging we do not add apostrophe, but we add only apostrophe at the end of the plural noun. ये चीज आपके लिए थोड़ा confusing है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले वाले example में हमने क्या किया था, teddy bear belongs to girl, यहाँ पे singular है, एक ही लड़की का है, वह खिलौना किसका है, किसी एक लड़की का, और यहाँ पे वो किसकी थी, एक लड़के का। सो यहाँ पे जो हमारे जो ये पर्सन है सिंगुलर फॉर्म में है, यहाँ पे एस नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट अगर यहाँ पे प्लूरल है, वह वस्तु बहुत सारे लोगों की है, सो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में, द बुक्स बिलोंग टू द बॉयज, बुक्स किताबें लड़कों की है। सो वहां पे बहुत सारी लड़कों की किताबें पड़ी है, बुक्स भी ज्यादा है और ये सारी बुक्स बहुत सारे लड़कों की है, यहाँ पे ऑलरेडी एस एड है। ओके, बॉयज प्लूरल फॉर्म में एस के साथ है, तो इसको हम एपोस्ट्रोफी एस जब यूज करेंगे हम कैसे लिखेंगे, द बॉयज बुक, यहाँ पे हम वापस से ओनली यहाँ पे आपको एपोस्ट्रोफी ही एड करना है, हम वापस से एपोस्ट्रोफी एस एड नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से सुनना है आपको, बी ओ वाई एस ऑलरेडी यहाँ पे एस है, इसलिए हम ओनली एपोस्ट्रोफी ही जोड़ेंगे, इसके अंदर वापस से हम एपोस्ट्रोफी एस ऐसे जोड़ेंगे नहीं, दिस इज रॉन्ग। आपको ध्यान रखना है जो वर्ड्स एस से खत्म होते हैं वहां पे हम लोग को ओनली एपोस्ट्रोफी ही ऐड करना है। ध्यान दीजिए वापस से, द बुक्स बिलोंग टू द बॉयज, किताबें लड़कों की है, लड़कों प्लूरल फॉर्म, ऑलरेडी यहाँ पे एस है, इसलिए हम क्या करेंगे, द बॉयज बुक्स, द बॉयज ओनली हम एपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग करेंगे, वापस एस ऐड नहीं करेंगे, द बॉयज बुक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, द टॉयज बिलोंग टू द गर्ल्स, खिलौने लड़कियों के हैं, सो गर्ल्स यहाँ पे देखिए ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, ऑलरेडी यहाँ पे एस है, गर्ल के साथ एस लगा हुआ है, इसलिए हम फिर से एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग। सो हम क्या करेंगे, द गर्ल्स टॉयज, सो ऑलरेडी एस जुड़ा हुआ है, इसलिए हम खाली एपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग करेंगे, इसमें एस ऐड नहीं होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, द गर्ल्स टॉयज। सो खिलौने किसके हैं, लड़कियों के, सो एपोस्ट्रोफी हमें क्या बताता है कि वह वस्तु किसके है। ओके, जो भी वहां पे चीजें है वह किनकी है बताने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। सो चिल्ड्रन आपको ध्यान में क्या रखना है, देयर आर टू पॉइंट्स टू लर्न, अगर आपका यहाँ पे पर्सन सिंगुलर है तब हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, द गर्ल्स टेडी बेयर, द बुक्स बिलोंग टू राम, द बुक बिलोंग टू राम, सो ये बुक किसकी है, राम की। इस सेंटेंस को अगर एपोस्ट्रोफी के साथ अगर लिखना चाहेंगे तो कैसा आएगा, राम्स आर ए एम राम एपोस्ट्रोफी एस राम्स बुक, इसका मतलब यह पुस्तक राम की है। ओके, अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर पहले से ही एस लगा हुआ है तब आप क्या करेंगे, द बॉयज बुक्स ओनली आप एपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग करेंगे, वापस एस नहीं लगेगा। ओके, द टॉयज बिलोंग टू द गर्ल्स, खिलौने किसकी है, लड़कियों की, सो गर्ल्स के अंदर पहले से ही एस जुड़ा हुआ है, इसके हम क्या करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, द गर्ल्स टॉयज। ओके चिल्ड्रेन, सो दिस इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, आपको ध्यान से रखना है यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है इसलिए हमें ओनली एपोस्ट्रोफी यूज किया है।
इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है. इट इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू. लिसन टू द वीडियो केयरफुली एंड रिफर टू द बुक ऑल्सो. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. सो प्लीज इसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए. टेक केयर. बाय बाय.